वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश शर्मा और रिपोर्टर तिलोक शर्मा के अनुसार शहर में पानी की किल्लत दिनों दिन बढ़ रही है। शहर के वार्ड 17 के निवासियों ने लंबे समय से चल रही पानी की समस्या को लेकर खंडेलवाल स्कूल के पास रोड पर जाम लगा दिया। वार्ड की महिलाओं ने अलवर न्यूज को बताया कि लंबे समय से वार्ड में पानी की समस्या चल रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट के थक गए हैं, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। रोज टैंकरों से पानी की पूर्ति की जा रही है। वार्ड में अधिकतर लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिससे रोज टैंकरों का खर्चा उठाना असंभव है। बोले तो 3,000 रुपया बिल देती हूँ पानी का, 1 महीने का, अब फिर भी पानी नहीं आता है। कितने दिन समस्या है? 1 महीना हो गया, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा पानी। कैसे काम चला रहे हो पानी का? कभी यहाँ से लाते हैं, कभी टैंकर डलवाते हैं। आराम का टैंकर थोड़ी आता है, 3,000 रुपए दे टैंकर भी डलवाओ। 3,000 26,000 रुपए बिल जमा कराओ भाई साहब पानी के। काफी परेशानी आ रही है पानी की। परेशानी बहुत ज्यादा है, मेरा पैर और जल रहा है, मैं खड़ी हुई इसलिए। आज हमने दुखी होकर धरना दिया है, रोड जाम करा है। पिछले 1 महीने से अधिकारियों को अवगत करा दिया कि पानी की विकट समस्या है, कोई समाधान नहीं हुआ इनके पास। माताएं बहनें दूर दूर से पानी लाती है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है, कोई खा तक लाया पानी, लेकिन पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। आज पानी की स्थिति इतनी विकट है कि एक बूंद पानी नहीं आता, और पानी का बिल हमेशा तुरंत आता है। अगर जमा नहीं कराते तो समय पर पेनल्टी लगाते हैं ये। जलदाय विभाग के अधिकारियों क्या कहना है? जलदाय विभाग के अधिकारियों को कहना है कि हमारे पास अभी फंड नहीं है, हमने जेब से पैसा लगा रखा है, उनका तो यही कहना है। अब कैसे काम चला रहे हो बिना पानी के? 400 रुपए का टैंकर कब तक डलाएं? पानी का बिल भी भरे और टैंकरों से पानी भी डलवाए, ये कहाँ का अन्याय है बताइए। खंडेलवाल धर्मशाला में शिवलैंड गली में पानी नहीं आ रहा, 1 महीना हो गया। रोजीना टैंकर मंगवा रहे भाई साहब, बड़ी दिक्कत आ रही है पानी की। दूसरों के नल पे से भी लाते हैं, फिर यहाँ पे भी टैंकर मंगाते हैं, तो अब आदमी आपस में लड़ते हैं, टैंकर वाला नहीं लाता, और फिर मोहल्ले के भी गाली बकते हैं। पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है। कितने महीने हो गए? 400 रुपए का टैंकर मंगाते हैं भाई साहब हम। अब आपको पता डेली का तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, एक लड़का है दूसरे के काम पर जाता था, उसका भी काम छूटा पड़ा है। सिविल लाइन के निवासी है, खंडेलवाल धर्मशाला ये मेन मार्केट में पड़ता है कंट्रोल रूम के पास। इधर पूरा 1 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा है। रोज JEN XN को फोन करते हैं, ये लोग भी फोन नहीं उठाते। कभी छोटे चौमासे इन लोगों ने फोन उठा लिया तो हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि मैडम क्या करें, हमारा तो ट्यूबवेल खराब है। भाई ट्यूबवेल खराब है तो ठीक कराओ। 3 बार ठीक करा चुके, इनको पता है कि वो ठीक करवा लिया है, ठीक करवाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं है, वो नया डलवाओ। हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है ना। रोज यहाँ पर टैंकर आता है, कभी सार्वजनिक कभी हम लोग पर्सनल मंगवाते हैं। सारे मिडिल क्लास वाले हैं, 500 रुपए का पर डे का टैंकर कौन अफोर्ड करेगा? पूरा 1 महीने से हम लोग टैंकर मंगवा रहे हैं, कभी किसी प्याओ पर पानी भरने जाते हैं, कभी किसी प्याओ पर पानी भरने जा रहे हैं। क्या तरीका है इन लोगों का? उसी को लेकर मजबूर आज आप यहाँ जोड़ आज हम लोगों ने जाम लगा दिया, क्या करें? ये लोग आश्वासन दे के चले जाएंगे। आपके स्थानीय पार्षद ने कुछ मदद की है? ये लोग हमारे पार्षद साहब ने टैंकर मंगवाया था हम लोगों के लिए सार्वजनिक, वो टैंकर में पूरे मोहल्ले में कहाँ तक पानी भरेंगे भैया? 2 बाल्टी 3 बाल्टी।